अब हमारे साथ मौजूद हैं जफर महमूद जो कि CEO हैं निमर केमिकल इंडस्ट्री के। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर मेरा पहला तो आपसे सवाल ये है कि जो PCM मैंने ये इवेंट करवाया इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह जी ये बड़ा सक्सेसफुल इवेंट था, ख़ास तौर पर इस वक्त जो उसकी ऑडियंस थी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने शिरकत की। बहुत सारे मेम्बरान्स कराची से लेके पेशावर तक मैं देख रहा हूँ हर जगह से आए हैं। काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट था, काफ़ी प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव था। सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान केमिकल इंडस्ट्री के इस वक्त बड़े मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान केमिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला इस वक्त अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल्स है, जिस तरह से एसोसिएशन में बात भी होती है कि नेफ्था क्रैकर विच इज़ द मदर ऑफ ऑल केमिकल्स वो पाकिस्तान में नहीं है, ना होने की वजह से जो बेसिक केमिकल हैं पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होते, तो पाकिस्तान पर एक इंटरमीडिएट मार्केट रह जाता है कि हम केमिकल बाहर से इंपोर्ट करके उसमें वैल्यूडेशन करके दोबारा से कंज्यूम करते हैं या एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट्स वाई वी बिकम अनवायबल। तो ये दैट्स द मेजर इशू। तो सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत को क्या मेजर इकदाम करने चाहिए इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए? सबसे पहले तो इसका देखें ये बहुत बड़ा केमिकल, जिस तरह से आपने देखा होगा ये एक पूरी वर्ल्ड इकॉनमी में केमिकल का सेक्टर बहुत बड़ा होता है। इसको करने के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले तो बेसिक जो क्रैकर है जो उसकी बात कर रहे हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। खुद तो नहीं कर सकती, कम अज़ कम CPAC में डालें या ये सऊदी जब बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अंदर डालें और इसको एक सेपरेटली मिनिस्ट्री के अंदर कर दें या एक ख़ास काउंसिल बना दें ताकि इसको हम स्पेशली फोकस कर सकें। अभी केमिकल है लेकिन एक बाकी इंडस्ट्री की तरह केमिकल भी चल रहे हैं, इसकी एक सेपरेटली या तो मिनिस्ट्री हो या इसकी एक सेपरेटली काउंसिल हो ताकि उसको प्रॉपरली टेक्सटाइल का ऐसे एड्रेस कर सकें। सर अगर इस इंडस्ट्री में बेहतर तरीके से काम किया जाए तो ये पाकिस्तानी इकॉनमी में किस तरह इंपैक्ट कर सकती है? देखिए इस वक्त जैसे हमने 2025 में यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि 2025 में जो कंजम्पशन है हमारी केमिकल की $25 बिलियन की हो जाएगी, बहुत बड़ी अमाउंट है। इतनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं है।